आ रहा है कि मैं अपनी जगह पहुंच भी पाऊंगा नहीं टाइम पे, क्योंकि अगर बीच में कोई भी बढ़िया चीज़ दिख जाती तो बस अपन टिक के फोटो वोटो खींचना शुरू कर देते हैं, और टाइम तो दिल हो ही रहा है और जगह आने का टाइम भी हो गया, उसके आने के बाद अपना कुछ काम नहीं हो पाएगा, बस हमें भागना ही पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी शांति है, शोर है बट हवा कम है इसलिए शायद आवाज़ प्रॉपर रिकॉर्ड हो पाएगी। और अभी हम बस हार्बर को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे से बस लेफ्ट टर्न करके मुझे रिटर्न मॉल की तरफ जाना है, थोड़ा वॉक है अराउंड 20 मिनट का, चलते हैं देखते हैं डाउनटाउन देखते हैं। सारी की सारी बड़ी बड़ी बैंक यहीं आसपास हैं, BMO, नोवा स्कोटिया, CIBC, DD, सब यहीं हैं, सारे यहीं हैं, मतलब ये है यहाँ का रिचेस्ट पॉइंट। हाँ, भिखारियों की कमी कहीं नहीं है, हर जगह ही मिल जाते हैं, चाहे इंडिया हो या कनाडा। मेरे पीछे है हॉकी हॉल ऑफ फेम, यानी यहाँ की आइस हॉकी का एक स्टेडियम और म्यूज़ियम, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। बाकी ये आगे मेरिडियन हॉल है, शायद यहाँ पे भी गेम्स होते हैं, और पीछे जो है वो पूरा म्यूज़ियम ही है। सो फ्रेंड्स, पीछे था हॉकी हॉल ऑफ फेम म्यूज़ियम, यानी आइस हॉकी के लिए कुछ म्यूज़ियम है, और डिटेल्स हैं होंगी किसी प्लेयर्स की या उनके हॉकी स्टोरी की डिटेल्स, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट। तो अभी हम वहाँ पे बस एक फ़ोटो क्लिक करके आगे निकल लिए, और हम जा रहे हैं ईटन मॉल कुछ खाने यानी पेलने, और उसके बगल में नाथन स्क्वायर, तो वहाँ भी जाएंगे। पीछे की साइड है नाथन स्क्वायर और आगे है मॉल, ईटन मॉल। फिलहाल मैं ईटन मॉल जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी भूख लगी है और शायद कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ, सो चलते हैं मॉल के अंदर। बट सबसे बट उसके पहले पहनना पड़ेगा मंगलसूत्र, मतलब मास्क। तो गाइस मॉल के अंदर तो आ गए, बट यहाँ पे तो ऐसे ही मुँह छुपा छुपा के घूमना पड़ेगा, और भूख भी लग रही है एक बार। और इस मॉल का एक बड़ा पंगा है कि हमें यहाँ पे वन वे यानी एक साइड से जाना दूसरे साइड से आना, वही फॉलो करते हैं। एक काफ़ी बड़ा मॉल है, और ऑलमोस्ट सारे बड़े ब्रांड हैं, और कुछ अपने इंडियन ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। इवन यहाँ पे जो कनाडा का ब्रांड बिकता है वो मेड इन बांग्लादेश है, मोस्टली सारी चीज़ें या तो बांग्लादेश से आ रही हैं या फिर चाइना से। तो आई थिंक भूख तो लगी है, अब जय का डाउट है, देखो अगर जय एग्री है तो हम कुछ खा पी के फिर आगे बढ़ते, हम ऐसे ही जाएंगे। बाजू में लेवाइस, हाँ लास्ट टाइम जब आया था तो यहाँ पे 70-80% डिस्काउंट थी, और आज खरीदने के प्लान करके आए हैं तो सब यानी 25-30%। अब लूटने में तो इंटरेस्टेड है नहीं, तो आई थिंक मुझे चाहिए अब रेस्टरूम। फिर से भागो, जय बाहर वेट कर रहा हूँ और वो यहीं से निकल के गया। तो बाहर आके मंगलसूत्र आने का टाइम हो गया, यानी अब बस मास्क पे, और पीछे चर्च में बेल बजने की आवाज़ आ रही है, अच्छी लगती है साउंड, पक्का किसी अपोजिट डायरेक्शन में छुप के बैठा हो। किसी को ढूंढने में यही होता है, तुम कहाँ हो हम कहाँ हैं, कोई कहीं भी खड़ा रहता है, भैया इधर लिखा है टोरंटो पीछे की साइड, जो कि यहाँ की एक फेमस
अट्रैक्शन है। ये तो इसकी बत्ती गुल है क्योंकि शायद रात में लाइट्स ऑन होगी या कोविड की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें बंद कर रखी हैं। ये पूरा जो रिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे स्प्रिंकलर और शावर्स ऑन होते हैं तो मस्ती करते हैं लोग, बच्चे आते हैं यहाँ पे खेलते हैं। हाँ, दुनिया बर्बाद हो चुकी है 6 महीने से। हमें जाना है ग्रैफिटी गैली, एक वॉल आर्ट गैलरी कह सकते हो उसको, तो लोग अपनी अपनी कलाकारी करते हैं। और अभी यहाँ पे कुछ ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग्स भी बन रही थी। एली है बस, वो वॉल आर्ट है, फोटो खींचनी है, वहाँ से वापस आ जाना है। इधर ही जाके कहीं पे है, अब वो हमें कौन से स्टॉप में ट्राम चलती है, ट्राम सीधे छोड़ देगी, फिर हम वहाँ से मेट्रो लेके आगे चल सकते हैं। अभी टाइम क्या हुआ है, 7। वहाँ कितने बजे चलेंगे, कितने देर रुकेंगे, क्या प्लान है? वहाँ से निकल के देखते हैं कितना देर होता है, वैसे तो 2 बजे तक खुला रहता है। भाई घर भी जाना है, वहाँ करोगे क्या 2 बजे तक बैठ? गाइस हम पहुंच गए हैं ग्रैफिटी एली। वॉल आर्ट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस है ये टोरंटो का, और वैसे पहले काफ़ी कलरफुल थी, अब ब्लैक एंड वाइट बना दिए बिकॉज ऑफ द ब्लैक लाइव मैटर। आने के लिए ईटन सेंटर से हमने ट्राम ली एंड शायद 7 या 8 स्टॉप करीब 15 मिनट के कैब में है। वैसे कुछ खास नहीं है, जस्ट वॉल आर्ट, बट काफ़ी अच्छी अव्वल दर्जे की वॉल आर्ट यहाँ पे, बट आई एम सॉरी टू से मेंटेनेंस काफ़ी वीक है। गली में बदबू आ रही कहीं कहीं पे। हाँ, तो आखिरकार एक अट्रैक्टिव ऑप्शन दिखा। Yes. ये कुछ इनकम्प्लीट आर्ट्स दिखे हैं, बट आई होप कि बनने के बाद काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। जितना भी पार्ट उनका इनकम्प्लीट है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट सीरियसली थक गए अभी तो, काफ़ी घूमना फिरना भी है, कुछ कॉन्सेप्ट सोच के आए थे बट मुझे ये गैली देख के बस ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पे होली यही सीन होता है हमारे यहाँ होली के बाद। हाँ, थोड़ी सी डेकोरेशन ज़्यादा है, फिर भी दीवारें ऑलमोस्ट ऐसी रहती हैं, पर शायद अब सब बंद हो गया है, किसी को क्रेज़ी नहीं रह गया वहाँ पर। तुमको एक्चुअली इस बार उधर आना है, जैसा अगर मतलब अगर वहाँ जाओगे तो मैं उस साइड आना पड़ेगा, तो फ़ायदा नहीं है कुछ। गाइस पीछे है पाप का क्लब और ये है मेरा पाप का फ्रेंड। दो मिनट में
सारी बस है, अगर ये मिस हो गई तो अगली बस एक घंटे बाद। बस आ गई है, शायद बस 5 मिनट लेट हो गई थी, बच गया मैं। और आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और आप जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लो।